अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5, जो कि है यूनिट नंबर 2 सिटीजनशिप का, चैप्टर नंबर 7 पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करवाई थी, आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। स्टूडेंट्स देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्म पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अमन अमान और तजाद को बयान करें कि ये क्या है। पहला देखिएगा, आपके पास है पीस। पीस मीन्स देयर इज नो अनरेस्ट इन द कंट्री। अमन अमान का मतलब है कि किसी भी मुल्क में कोई भी बेसुकूनी ना हो, उसको हम अमन यानी कि पीस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कॉन्फ्लिक्ट। आ कॉन्फ्लिक्ट इज अ डिसएग्रीमेंट और अ फाइट। एक तजाद जो होता है वो गैर रजामंद और एक लड़ाई झगड़े की वजह से वजूद में आता है, या कॉन्फ्लिक्ट यानी कि तजाद हम उसे कहते हैं जब किसी भी मुल्क में झगड़ा या किसी भी बात पर रजामंदी ना चल रही हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द यूएन डू। यूएन क्या काम करती है। यूएन मींस यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस इज डेडिकेटेड, यूनाइटेड नेशन बनाई गई है या तरतीब दी गई है टू फाइंडिंग के तलाश करें पीसफुल सॉल्यूशंस, अमन अमान वाले हल टू एनी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तजाद के। अगर इसका लफ्जी तर्जमा देखें तो ये है कि जो यूनाइटेड नेशन है वो इसलिए बनाई गई है कि वो किसी भी तजाद का अमन अमान वाला हल तलाश कर सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका स्टूडेंट्स, हाउ मैनी वॉर्स हैव देयर बीन इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 30 ईयर्स, यानी कि पिछले 30 सालों में दुनिया में कितनी जंगें लड़ी गई। इन द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों में देयर हैव बीन मोर देन 120 वॉर्स इन द वर्ल्ड, तकरीबन दुनिया में 120 से ज़्यादा जंगें लड़ी गई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं दैट हैपन्स जो होती हैं, दैट हैपन्ड व्हेन देयर इज अ वॉर, जब वहाँ कोई जंग होती है। यानी मतलब यह है कि ऐसी कौन सी चीज़ें तब होती हैं जब जंग होती है। ड्यूरिंग अ वॉर, एक जंग के दौरान, अ नॉर्मल लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू, एक आम जिंदगी जारी नहीं रह सकती। स्कूल्स आर क्लोज, स्कूल बंद हो जाते हैं। इट कैन इंटरप्ट और स्टॉप नॉर्मल सर्विसेज। इट कैन इंटरप्ट ये बिगाड़ देते हैं या कंटिन्यूसली रोक देते हैं, और स्टॉप और रोक देते हैं नॉर्मल सर्विसेज, आम सहूलियात। पीपल कैन डाई, लोग मर सकते हैं या मर जाते हैं, और भी इंजर्ड और जख्मी हो सकते हैं। लाइफ ड्यूरिंग वॉर टाइम, जिंदगी जंग के वक्त के दौरान इस स्ट्रेसफुल, परेशान कुन हो जाती है या दबाव वाली हो जाती है। मैं एक दफ़ा आपकी सहूलत के लिए इसको फिर से ट्रांसलेट कर रही हूँ। ड्यूरिंग अ वार, एक जंग के दौरान, अ नॉर्मल लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू, एक आम जिंदगी जारी नहीं रखी जा सकती। स्कूल्स आर क्लोज, स्कूल बंद हो जाते हैं। इट कैन इंटरप्ट और स्टॉप, ये बिगाड़ देती है और रोक देती है नॉर्मल सर्विसेज, आम सहूलियात। पीपल कैन डाई, लोग मर सकते हैं या मर जाते हैं, और भी इंजर्ड और जख्मी होते हैं। लाइफ ड्यूरिंग वॉर टाइम, जिंदगी जंग के वक्त के दौरान इस स्ट्रेसफुल, परेशान कुन या दबाव वाली हो जाती है, यानी कि हम जहनी तौर पर परेशान हो जाते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, व्हाई डू वी नीड टू बी काम टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। व्हाई डू वी नीड, हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है टू बी काम टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी मसले को हल करने के लिए हमें पुरसकून होना चाहिए, या हम किसी भी मसले को पुरसकून या अमन के तरीके से हल कर सकें। वी नीड टू बी काम, हमें ज़रूरत होती है पुरसकून होने के लिए, टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तजाद को हल करने के लिए, सो दैट थिंग्स डू नॉट गेट आउट ऑफ कंट्रोल, ताकि उसके बाद चीज़ें आपके काबू से बाहर ना हो। वी नीड टू बी काम, हमें ज़रूरत होती है पुरसकून रहने की, टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तजाद को हल करने के लिए, सो दैट थिंग्स डू नॉट गेट आउट ऑफ कंट्रोल, ताकि उसके बाद चीज़ें आपके काबू से बाहर ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, व्हाट डज सूदिंग मीन्स। सूदिंग का क्या मतलब होता है। इट मीन्स, इसका मतलब है टू डू समथिंग,
कि कुछ ऐसा करें टू काम योर सेल्फ कि अपने आप को पुरसकून रख सकें या अपने आप को सुकून दे सकें. इट मीन्स टू डू समथिंग, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा करें टू काम योर सेल्फ कि अपने आप को पुरसकून या सुकून देने वाला रख सकें या अपने आप को पुरसकून रख सकें. स्टूडेंट्स अब हम बुक वर्क की तरफ आएंगे. स्टूडेंट पेज नंबर 57 पर आ जाइएगा. आप देखेंगे एक्सरसाइज नंबर ए, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन टू रिसॉल्व ईच ऑफ द ईज़ कॉन्फ्लिक्ट्स. यानी कि आपने इनमें से राइट आंसर सेलेक्ट करना है. फर्स्ट है योर फ्रेंड पुशेस यू एंड यू फॉल डाउन. पुशेस देम बैक, गेट अप एंड टेल देम नॉट टू पुश, शाउट डोंट पुश एट देम. तो इसका राइट आंसर होगा बी, गेट अप एंड टेल देम नॉट टू पुश. नेक्स्ट देखिएगा, सम वन एक्सीडेंटली स्पिल्स देयर ड्रिंक ऑन यू, डिमांड एन अपॉलोजी, टेल द टीचर दैट दे डिड नॉट इट ऑन पर्पस, स्टे काम एंड क्लीन अप द मेस. इसका राइट आंसर है स्टे काम एंड क्लीन अप द मेस. थर्ड देखिएगा, यू सी सम वन older than you being bullied at school, tell a teacher, confront the bully, ignore it. इसका राइट आंसर है tell a teacher. आपने एक्सरसाइज नंबर जो इसकी बी है वो नहीं करनी. जी स्टूडेंट्स पेज नंबर 58 देखिएगा, मार्क द सेंटेंसेस विथ ट्रू और फॉल्स. द UN हैज 51 मेंबर स्टेट्स. आपने पीछे पेज नंबर 56 पर देखना है कि जब UN स्टार्ट हुई थी तब इसके 51 मेंबर्स थे, अब इसके मेंबर्स 193 हैं. तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फॉल्स होगा. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक क्लियरली इफ़ यू आर एंग्री. इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है टू थिंक क्लियरली कि आप सोच सकें साफ अंदाज में इफ़ यू आर एंग्री, जब आप गुस्से में होते हैं. तो स्टूडेंट्स ये गलत बात है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम आसानी से नहीं सोच सकते. इसलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक क्लियरली इफ़ यू आर एंग्री, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा. इट इज़ ओके टू हिट समवन, ये ठीक है अगर आप किसी को मारते हैं. इफ़ दे आर अनॉय यू, जब वो आपसे नाराज़ होते हैं, तो ये गलत है. कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, तजाद ज़िंदगी का हिस्सा है, तो ये आपका ट्रू है. देयर आर नो सोल्यूशंस टू कॉन्फ्लिक्ट्स, तजाद के कोई भी हल नहीं निकल सकते या उनके कोई भी सोल्यूशंस नहीं होते, तो ये गलत बात है. हर चीज़ का कोई ना कोई हल होता है. स्टूडेंट्स थिंग्स यू कैन डू, आपने इन चीज़ों के बारे में सोचना है. फाइंड आउट मोर अबाउट द UN एंड इट्स रोल इन इस्टेब्लिशिंग पीस इन रीसेंट टाइम्स. यानी कि आपने UN के रोल के बारे में पढ़ना है और किस तरह वो अमनो अमान कायम करती है, रिसेंटली वक्तों में उसने किस तरह अमनो अमान कायम किया, इसके बारे में आपने थोड़ी बहुत नॉलेज इकट्ठी करनी है. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. ये जो आपकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं, टू चिल्ड्रन फाइटिंग ओवर अ टॉय, टू ड्राइवर्स आर्ग्यूइंग अबाउट हु हैज़ द राइट ऑफ वे, द मेंबर्स ऑफ टू क्लब्स फाइटिंग अबाउट विच वन इज़ द बेस्ट. आपने क्या करना है, इन तीनों के रीजंस ढूंढने हैं कि व्हाट कॉजेज द कॉन्फ्लिक्ट्स, तजाद की वजह क्या बनी, हाउ कैन द कॉन्फ्लिक्ट बी रिजॉल्व, और उन तजाद को हल कैसे कर सकते हैं. इनके बारे में आपने सोचना है और फिर जब आप स्कूल आएंगे तो आपके साथ उनके व्यूज़ या आइडियाज़ शेयर किए जाएंगे. स्टूडेंट्स मैंने आपको जितना भी कॉपी वर्क, बुक वर्क या बोर्ड वर्क करवाया है, ये अपने साथ साथ अपनी कॉपीज भी उतारना है और इनको साथ साथ याद भी करना है. टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ का. यूनिट नंबर है 4, कल्चर एंड सोसाइटी. चैप्टर नंबर है 12, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. पेज नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए 82 से 87 तक. स्टूडेंट्स इसमें हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, पहला आपके पास होगा कम्युनिकेशन और दूसरा होगा ट्रांसपोर्ट. आज हम इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन भी साथ ही करेंगे. पहले आपके पास है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के यहाँ नीचे मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं और देन है आपके पास ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के भी मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं. देखिएगा पहला है आपके पास कम्युनिकेशन.
स्टूडेंट्स आपको पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है किसी भी दूसरे इंसान के साथ आप बात करो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब जब हम किसी को बाय करते हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जब हम फेस पे सिर्फ स्माइल लाते हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। बाय मतलब आप बातचीत करें और अपने बॉडी लैंग्वेज और साइंस के जरिए, यानी कि जो आप जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा रेड ग्रीन और येलो लाइट होती है, वो आपके साइंस होते हैं। ये तीनों चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं और उसके ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर आपके पास है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट बेसिकली आपका होता है आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप उसके लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के जरिए हैं, जैसे आपके पास साइकिल है, साइकिल का तो अब ज़माना नहीं है, आपके पास रोड्स बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कार है, बस है, वो आपके सारे जितने भी वेज हैं वो आपके ट्रांसपोर्ट में कंसीडर होते हैं। पहला आपके पास है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपके पास पहला पॉइंट है पोस्ट ऑफिसेस, देन है रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीफोन्स, टेलीविजन और ईमेल। इन सब के जरिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर आपके पास है ट्रांसपोर्ट, रोड्स, रेलवेज, एयरवेज एंड शिपिंग। रोड्स, रेलवेज, एयरवेज एंड शिपिंग, ये आपके ट्रांसपोर्ट वेज हैं। अब हम बुक की तरफ आते हैं जिसमें मैं आपको रीडिंग और एक्सप्लेनेशन दोनों करवाऊंगी। स्टूडेंट्स पेज नंबर 82 देखिएगा। मैंने आपको पहले ही बोर्ड पर बता दिया कि यूनिट नंबर 4 कल्चर एंड सोसाइटी का चैप्टर नंबर 12 कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट को आज हम पढ़ेंगे और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। स्टूडेंट्स आप साथ साथ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स लिखते जाइएगा। फर्स्ट आपके पास है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स वेज ऑफ कीपिंग इन टच विद समवन एल्स। कम्युनिकेशन का मतलब है किसी भी दूसरे इंसान के साथ बातचीत के जरिए उसके साथ टच में रहना। व्हेन वी कम्युनिकेट, जब हम कम्युनिकेट यानी कि बातचीत करते हैं बाय स्पीकिंग, बोलने के जरिए, राइटिंग लिखने के जरिए, और बाय मेकिंग साइंस और सिग्नल्स यानी साइंस के जरिए तस्वीरें बनाकर, वी गेट इंफॉर्मेशन, हम मालूमात हासिल करते हैं। इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, मालूमात अबाउट एनी इशू, किसी भी इशू के बारे में, किसी भी मसले के बारे में कोई भी मालूमात होती है, प्रॉब्लम्स, मसले के बारे में, इवेंट तकरीब, प्रोसेस, कार्रवाई और सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। वी रिसीव, हम हासिल करते हैं, एंड कन्वे और पहुंचाते हैं इंफॉर्मेशन, मालूमात, ऑल द टाइम, हर वक्त, इन मैनी डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों से, कन्वर्सेशन, बातचीत एंड एक्शंस और मामलात, इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी शामिल है। मैंने आपको पहले बता दिया कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। कन्वे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पहुँचाने का एक ज़रिया है। वी कैन लिसन, हम सुन सकते हैं, रीड पढ़ सकते हैं, एंड वॉच और देख सकते हैं, डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ें, टू गेट इंफॉर्मेशन, मालूमात हासिल करने के लिए। द इंफॉर्मेशन वी गेट, वो मालूमात जो हम हासिल करते हैं, इज़ वैल्यूएबल, काबिल कीमत या काबिल कदर होती है, बिकॉज इट कैन इफ़ेक्ट आर बिहेवियर, क्योंकि वो हमारे रवैयात पर असरअंदाज होती है, डिसीजंस, मामलात पर, एंड आउटकम्स, और जो हमें हासिल होता है उस पर। नेक्स्ट देखिएगा, द रिटन वर्ड इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी लिखा हुआ लफ्ज बेहतरीन तरीका या बेहतरीन जरिया है कम्युनिकेशन यानी बातचीत का, दैट हैज़ एवर बीन इन्वेंटेड, जो हमेशा इजाद किया गया है। इन बुक्स, किताबों में, एंड मैगजीन्स, और मैगजीन्स में, वी कैन रीड, हम पढ़ सकते हैं, अबाउट एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के मुतालिक, किसी भी मसले के मुतालिक, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। वी कैन डू दिस, हम ये कर सकते हैं, एनी वेयर, कहीं भी, एंड एट एनी टाइम, और किसी भी वक्त। मोर बुक्स हैव बीन रिटन, बहुत सारी किताबें लिखी गई, देन एनी ऑफ अस, उनमें से कुछ कुड रीड इवन, हत्ता के पढ़ी गई, इन 20 लाइफ टाइम्स, जिंदगी में कई सौ दफ़ा। नेक्स्ट आपके पास कम्युनिकेशन का पहला पॉइंट है पोस्ट ऑफिसेस। टू
एन ऑर्डिनरी पर्सन, किसी भी आम इंसान के लिए द पोस्टल सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टल सिस्टम यानी कि ख़तों किताबत का ज़रिया बहुत ज़रूरी ज़राए इब्लाग या बातचीत का अहम ज़रिया माना जाता है। फॉर अ नॉमिनल चार्ज, बहुत कम कीमत पर, अ लेटर कैन बी सेंड, एक खत भेजा जाता है टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी दुनिया के दूसरे हिस्से में। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड पार्सल्स कैन आल्सो बी सेंड बाय पोस्ट। न्यूज़पेपर, अखबारात, मैगजीन्स, किताबें और पार्सल्स यानी कि जो छोटे पैकेट्स होते हैं जिनमें आप कम चीज़ें भेजते हैं, पोस्ट के ज़रिए कहीं भी भेजी जा सकती हैं। यू कैन इवन सेंड मनी, आप हत्ता के रुपया पैसा या दौलत भी भेज सकते हैं बाय सेंडिंग अ मनी ऑर्डर, एक मनी ऑर्डर के ज़रिए विद इन द कंट्री, अपने मुल्क में। कॉरियर सर्विसेज ऑल्सो डिलीवर डॉक्यूमेंट्स एंड पार्सल, जो कॉरियर सर्विस है उसके ज़रिए हम डॉक्यूमेंट्स और पार्सल्स भेज सकते हैं। मेल विद इन द कंट्री इज़ कैरीड बाई वेन्स, मेल वैंस, मेल विद इन द कंट्री, मेल जो मुल्क के अंदर भेजी जाती हैं, इज़ कैरीड ले जाई जाती हैं बाई वैंस, वैंस के ज़रिए, बसेस, बसों के ज़रिए, ट्रेन्स, ट्रेन के ज़रिए एंड एरोप्लेन्स और जहाज़ों के ज़रिए। लेटर्स टू फॉरेन कंट्रीज़, ख़त गैर ममालिक या दूसरे मुल्कों में, आर सेंड बाय एयर, हवा के ज़रिए यानी कि जहाज़ के ज़रिए भेजी जाती हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज ऑल ओवर द कंट्री, तकरीबन हमारे मुल्क में थाउजेंड हज़ारों पोस्ट ऑफिसेज मौजूद हैं। नेक्स्ट आपके पास है रेडियो, द रेडियो इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रेडियो भी बातचीत का एक अहम ज़रिया है। वी कैन लिसन टू म्यूज़िक, हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, न्यूज़, खबरें सुन सकते हैं। स्पीचेस, तकरीर सुन सकते हैं, प्लेस, ड्रामे सुन सकते हैं एंड कमेंट्रीज ऑन गेम्स, और गेम्स के बारे में जो कमेंट्रीज होती हैं यानी कि जो बोल के बताई जाती हैं ऑन द रेडियो, रेडियोज़ पर हम वो भी सुन सकते हैं। वी कैन गेट टू नो अबाउट न्यूज़ इवेंट्स एज दे हैपन, हम उन खबरों के बारे में या उन तकरीब के बारे में भी सुन सकते हैं जो होती हैं। देयर आर रेडियो स्टेशंस ऑल ओवर द कंट्रीज़, मुल्क में तकरीबन बहुत सारे रेडियो स्टेशंस हैं, प्रोग्राम्स इन इंग्लिश, जो प्रोग्राम्स उन पर नशर किए जाते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। उर्दू एंड रीजनल लैंग्वेजेस आर ब्रॉडकास्ट बाय द पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। रीजनल लैंग्वेजेस यानी कि आपकी जो अपनी मादरी ज़ुबान है या फिर आपकी कोई भी ऐसी ज़ुबान जो आपके इलाके के हिसाब से सूट करती है, आर ब्रॉडकास्ट, नशर किए जाते हैं बाय द पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के ज़रिए एंड बाय इंडिपेंडेंट रेडियो चैनल, और उन रेडियो चैनल के ज़रिए जो आज़ादाना तौर पर काम करते हैं लाइक एफ एम के ज़रिए। उसके बाद आपके पास है न्यूज़पेपर, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, गुजराती एंड अदर लोकल लैंग्वेजेस। जो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है वो पब्लिश यानी शाया किया जाता है इन उर्दू, उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, सिंधी में, गुजराती में एंड अदर लोकल लैंग्वेजेस, और बाकी जो बड़े बड़े शहरों में जो लैंग्वेजेस, शहरों में जो लैंग्वेज बोली जाती हैं उनमें। सम आर पब्लिश्ड एवरीडे, इन में से कुछ हर रोज़ शाया किए जाते हैं एंड अदर कम आउट वीकली, और कुछ हफ्तावार आते हैं। वी ऑल्सो हैव अ नंबर ऑफ मैगजीन्स, हमारे पास यह नंबर ऑफ मैगजीन्स भी हैं। सम कम आउट एवरी वीक, उनमें से कुछ हफ्तावार आते हैं यानी कि एक हफ्ते बाद आते हैं, एंड अदर्स आर प्रिंटेड फोर नाइटली और मंथली, और उनमें से कुछ फोर नाइटली दो वीक्स के बाद, और मंथली महीनावार आते हैं। मैनी मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स मेक सम और ऑल ऑफ देयर आर्टिकल्स अवेलेबल ऑनलाइन, इसमें से कुछ मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स ऐसे होते हैं जो अपने आर्टिकल्स ऑनलाइन यानी कि आपको नेट पर भी मिल जाते हैं। द ऑनलाइन कॉन्टेंट कैन बी अपडेटेड थ्रू आउट द डे, जो ऑनलाइन आर्टिकल यानी कि जो आपका ऑनलाइन मवाद होता है वो तकरीबन डे बाय डे अपडेट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास टेलीफोन्स,
मिलियंस ऑफ कॉल्स आर मेड एवरी डे, यानी कि मिलियंस ऑफ कॉल्स, यानी कि दिन में हज़ारों कॉल्स मिलाई जाती हैं, इसी तरह लाखों करोड़ों कॉल्स हर दिन बनाई जाती हैं या मिलाई जाती हैं फ्रॉम पाकिस्तान. पाकिस्तान के लिए यू कैन मेक अ टेलीफोन कॉल टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि आप पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में भी कॉल्स कर सकते हैं और आप एक शहर से दूसरे शहर में भी कॉल कर सकते हैं. पहले तो ये होता था कि आप किसी को कॉल नहीं कर सकते थे क्योंकि तब सेलफोन्स का ज़माना नहीं था, तब आपके पास ख़तों का ज़माना था. आप एक जगह से ख़त भेजते थे और वहाँ रिसीव होते होते टाइम लग जाता था, लेकिन अब आप एक सेकंड में, अगर आपने किसी को कोई न्यूज़ देनी है तो एक सेकंड में आप जस्ट अपना फ़ोन लो, नंबर डायल करो और कॉल करो. आपका ये काम बहुत आसान हो गया है. विद द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के एडवांस की वजह से सेलुलर और मोबाइल फ़ोन्स have become common. Cell phones are popular with users because they can be carried easily. Cellular जो आपका handset होता है और mobile phones जो आपका छोटा mobile होता है have become common, बहुत आम हो चुके हैं. Cell phones are popular, जो mobile phones हैं वो बहुत आम हैं, मशहूर हैं with users, अपने यूज़र्स के साथ. बिकॉज दे कैन बी कैरीड ईजीली, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाए जा सकते हैं. दे हैव मैनी इंटरेस्टिंग फीचर्स, उनमें बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्प फीचर्स खदोखाल होते हैं या उनके अंदर काफ़ी सारी ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं दैट कैन ऑल्सो बी यूज टू सेंड टेक्स्ट, जो कि मैसेज सेंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पिक्चर्स भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑडियो एंड वीडियो मैसेजेस. ऑडियो वो मैसेजेस होते हैं जिनमें हम अपनी साउंड रिकॉर्डिंग करते हैं, और वीडियो मैसेजेस वो होते हैं जिसमें आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं. मोस्ट सेलफोन्स कैन ऑल्सो बी यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इनमें से कुछ सेलफोन्स ऐसे हैं जो इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकते हैं. स्टूडेंट्स, आपके पास जो छोटा मोबाइल होता है जो कीपैड वाला होता है उसमें देखिए आप इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकते, और जो आपके पास टच फ़ोन होता है उसमें आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं. सेंड ईमेल्स, ईमेल्स भेज सकते हैं, एंड वॉइस मैसेजेस और अपने आवाज़ के मैसेजेस, आवाज़ रिकॉर्ड करके मैसेजेस भेज सकते हैं, एंड टू टेक फोटोग्राफ्स और उसमें आप अपनी तस्वीर भी ले सकते हैं. एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस, जैसे ही टेक्नोलॉजी ने अपने आप को इम्प्रूव किया, न्यू मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स आर बीइंग डेवलप्ड. मोबाइल फ़ोन्स के बहुत सारे नए मॉडल्स आ गए हैं, इसी तरह कंप्यूटर्स के बहुत सारे नए मॉडल्स बना दिए गए हैं. कंप्यूटर्स आर नाउ स्मॉल एंड कम्पैक्ट, जो कंप्यूटर्स आजकल के हैं वो छोटे होने के साथ साथ तेज़ काम भी करते हैं. लैपटॉप्स कैन बी यूज विदाउट बीइंग प्लग इन, आजकल जो लैपटॉप्स हैं वो ऐसे यूज़ हो रहे हैं कि आप उनको लगाए बगैर चार्ज कर सकते हैं, मतलब आप उनकी बैटरी चार्ज करके कहीं भी बैठ के उनको यूज़ कर सकते हैं. इवन स्मॉलर कंप्यूटर्स दैट फिट इन योर हैंड, हत्ता तक के वो स्मॉल कंप्यूटर्स जो आपके हाथ में फिट बैठ जाएं आर कॉल्ड टैबलेट्स, उनको टैबलेट्स कहते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है टेलीविज़न. टेलीविज़न इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. टेलीविज़न की शॉर्ट फॉर्म है, हम उसे टी और वी यानी कि टीवी कहते हैं. इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी बातचीत या ज़राए इब्लाग का एक अहम ज़रिया है. इट इज़ यूज फॉर एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट यानी कि आपको खुश रखने के लिए इस्तेमाल होता है. एंड फॉर एजुकेशन, और तालीम के लिए. एंड न्यूज़ प्रोग्राम्स और न्यूज़ खबरों के प्रोग्राम्स के लिए भी यूज़ होता है. सिटिंग इन योर होम, घर में बैठे हुए यू कैन वॉच टेलीविज़न प्रोग्राम्स, आप टेलीविज़न प्रोग्राम देख सकते हैं, टीवी प्रोग्राम्स देख सकते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में जो हो रहे हैं थ्रू आर्टिफिशियल सेटेलाइट, आर्टिफिशियल यानी बनावटी सेटेलाइट के ज़रिए, एंड केबल नेटवर्क्स और केबल नेटवर्क के ज़रिए. मैनी पीपल इन आर कंट्री कैन नॉट रीड एंड राइट, बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में पढ़ना और लिखना नहीं जानते. टेलीविज़न एंड रेडियो हेल्प दैम, टी वी और रेडियो उनकी मदद करता है टू लर्न अबाउट देयर कंट्री, कि वो अपने मुल्क के बारे में जान सकें, एंड द वर्ल्ड और दुनिया के बारे में. कम्युनिकेशन का लास्ट पॉइंट है हमारे पास ईमेल. ईमेल इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. द
दीज डेज ईमेल इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो ईमेल है वो बहुत जदीद और तेज़ रफ्तार कम्युनिकेशन का ज़रिया है, यानी कि ज़राए इब्लाग का ज़रिया है. इट इज़ द सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. स्टूडेंट्स आपने शायद पढ़ा हो ईमेल मींस होता है ई और मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल. तो यहाँ पे इस लाइन को बताने का मतलब ही यही है, इट इज़ द सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस. ये एक तरीका कार है मैसेजेस भेजने का बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ज़रिए. क्योंकि ये आपका ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए ही भेजा जाता है. From one computer users, एक computer इस्तेमाल करने वाले से, to the one or more users, अगले एक या बहुत ज़्यादा users को. यानी कि sometime आप एक messages एक इंसान को कर सकते हैं एक message, या आप एक message एक इंसान के अलावा ज़्यादा इंसानों को भी कर सकते हैं. Through a satellite, एक satellite के ज़रिए network, using a web connected computer, एक वेब कनेक्टेड कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए वन कैन ईजीली चेक वंस ईमेल फ्रॉम एनीवेयर. कोई भी एक इंसान किसी भी दूसरे इंसान का आसानी से ईमेल चेक कर सकता है. वैसे तो आपके ईमेल को पासवर्ड है कोई भी चेक नहीं कर सकता, लेकिन जब आप अपना ईमेल नंबर किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो आपका ईमेल कहीं भी आपको आसानी से ढूंढ सकता है. बिकॉज इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड एक्सेसिबल, क्योंकि ये बहुत आसान और काबिले जल्दी पहुंचाने वाला आपकी मतलब रेंज के अंदर आपकी ज़रूरत के अंदर का तरीकाकार है. ईमेल हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर. ईमेल जो है वो आजकल बहुत तेज़ी से मशहूर हो रहा है.